हेलो फ्रेंड्स, कैनेडा वीजा किन्ना नू अप्लाई करना चाहिदा, किन्ना नू नहीं अप्लाई करना चाहिदा, एक्चुअल दे विच की पिक्चर आ रियल कैनेडा स्टूडेंट वीजा दी। सो इस वीडियो दे विच काफी तुहाडे माइंड दे क्वेश्चंस जिहड़े क्लीयर होणगे, तुहानू पता होना चाहिदा कि तुहाडी प्रोफाइल दा वीजा किवें आऊगा और किहड़ियां प्रोफाइल्स नू कैनेडा एम्बेसी आईआरसीसी रिफ्यूज कर रही है। तो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आ और रिसर्च करके फ्रेंड्स वीडियो लेके आने। इस वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करो, शेयर जरूर करो अपने वट्सएप ग्रुप्स के ताकि किसी का भी टाइम और पैसा ना खराब हो। सो फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट, सब तो पहला आप गल करांगे स्टूडेंट वीजा दी एलिजिबिलिटी की। जो एलिजिबिलिटी अज की डेट के चल रही है 6.5 बैंड, अगर थोड़ा गैप आ तो प्रोपर जस्टिफिकेशन चाहिए आ। जस्टिफिकेशन के ज्वाइनिंग लैटर देना, सैलरी स्लिप्स जरूर चाहिए, मतलब डॉट टू डॉट कनैक्ट करके तुम जो अपना एक्सपीरियंस लगाओगे वीजा ऑफिसर को समझ लगेगा तो थोड़ा वीजा आऊगा, चाहे थोड़ा 8 to 10 ईयरस का गैप ही क्यों ना हो। सो बोनाफाइड स्टूडेंट होने चाहिए हो तुम। अज की डेट के पीटीई का काफ़ी तुम एड्स देख रहे होंगे, बट उसकी असल सच्चाई की है कि पीटीई ते वीजा नहीं आ रहा। कोई इक्का दुक्का मार्केट के वेखन तुम मिल सकता, बट अगर आप एक ट्रेंड कहीए पीटीई का तो वह अज की डेट के खत्म हो चुके। सो अगर थोड़े 65 अबव आ, 65 तो उपर स्कोर आ, तो तुम अपना पीटीई के बेस पर वीजा अप्लाई कर सकते हो और ट्राई करो कि हजे एक मंथ रुक के अपना वीजा अप्लाई करो। तुम पीटीई करके स्कोर ले सकते हो, बट थोड़ा टाइम रुक के अप्लाई करो ताकि पता लग सके, रियल पिक्चर सामने आ सके कि पीटीई नू आईआरसीसी वीजा किन्ने क परसेंट देंगे है। सो टॉफल कर सकते हो, टॉफल बेस पर वीजा आ रहा जिमें आईलस का, उमें टॉफल बेस पर भी बहुत ज्यादा रिजल्ट जो देखने मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दैन एक मेरी होर एडवाइस आ कि 3 ईयरस दियां आईटीआर जरूर फिल कर लो। 3 साल दियां आईटीआर हुण फिल हो रही हैं इस साल दी, और पिछले असैसमेंट ईयर दी हो रही है, लास्ट 2 ईयरस दियां हो रही हैं। सो 3 ईयरस दियां आईटीआर विद कॉम्पीटिशन फॉर्म तुहाडी फाइल च लगना बहुत ज़्यादा जरूरी आ। बेशक तुहाडी फाइल एसडीएस आ, तुसीं रीसेंटली पास आउट हो, सो एसओपी दे विच किसी तरह की हैल्प चाहिए आ, तुसीं एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक मैं वट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच मेंशन कर दिना, साडियां जो भी पीपीआर आउंदियां, जो भी न्यू अपडेट्स आउंदियां, तुसीं उस वट्सएप ग्रुप तो डेली अप टू डेट तुसीं रह सकते हो ज्वाइन करके ग्रुप नूं। सो इंस्टाग्राम नूं भी जरूर ज्वाइन करो, वीजा गुरु गुरप्रीत इंस्टाग्राम चैनल का नेम आ। सो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी एलिजिबिलिटी देख के वीजा अप्लाई करो। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मार्केट दे विच देखने लिए मिले आ। थिंग इज दैट कि तुसीं जो एक आफ्टर कोविड आईआरसीसी ने एक पैरामीटर बना दिता होया, उसके अकॉर्डिंग अगर तुसीं फाइल लगाने हो तो कदें भी तुहाडा वीजा नहीं रिफ्यूज होंदा। अदरवाइज जैन इनटेक की अगर गल करिए 23, तो जिहड़े रिफ्यूज हो चुके केस सीगे जिन्होंने डेफर करवाया जैन 23, 90% सक्सेस रेट हुण तक मिल रहा, मतलब बहुत मिनिमम रिफ्यूजल जैन 23 की देखने मिल रही है। तो जिहड़े सितंबर में रिफ्यूज हुए आ, वो जनरली अपना टाइमली वीजा अप्लाई कर लो, क्योंकि उस तो बाद मे दैन सितंबर 23 लिए ही सीट्स जिहड़ियां अवेलेबल रह जाणगियां। तो फ्रेंड्स, होर किसी तरह की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आ, एनी टाइम तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साडी इह कोशिश आ कि तुहाडा टाइम और पैसा ना खराब होवे, क्योंकि अज मार्केट दे विच हर तरह की प्रोफाइल एजेंट्स लै रहे आ, क्योंकि एक कंसल्टेशन चार्जिस जां अपने फायदे लई। सो मैं इस करके तुहानू अवेयर कर रहा कि तुहानू पता होना चाहिए कैनेडा किहड़ियां प्रोफाइलां नू वीजा दे रहा, तो अखां बंद करके ना कदे भी चलो, अवेयरनैस बहुत जरूरी आ। अगर तुहाडी आईलस प्रोपर कीती हुई है, गैप प्रोपर जस्टिफिकेशन आ तुहाडे कोल, वधिया डाकूमेंट्स आ, मतलब कोई फेक डाकूमेंट नहीं, तो डेफिनेटली यू विल गैट योर वीजा। एक चांस जे ना मिलेगा तो सैकेंड टाइम जो तुसी अपना वीजा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद इन्ना टाइम देने के लिए, फॉर योर लव एंड रिस्पैक्ट। थैंक यू सो मच।